सर, मैं सर से जानना चाहती हूँ कि यदि सर की सरकार बनती है तो जो क्रिश्चियन भाई हैं हमारे, क्या उनको ये विश्वास दिला सकते हैं कि उनके चर्च तोड़े नहीं जाएंगे, ऐसा तो कभी हुआ नहीं, कभी सुना नहीं हमने, जलाए नहीं जाएंगे सर? ऐसा न सुना है न कभी हमने नहीं, वो जाना है। एक आश्वासन चाहते हैं, शायद उनके मन उनकी में सेफ्टी डर का है। आश्वासन चाहते हैं सर। मैं आपको बताता हूँ, एक तो ऐसा मैंने कहीं सुना नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, गुजरात के अंदर दुनिया की सबसे छोटी माइक्रो माइनॉरिटी है पारसी। उन पारसी का उदवाड़ा में तीर्थ क्षेत्र है। हमारी सरकार आने के बाद और उसको ग्लोबली, और मैंने तो कहा ये रिलीजियस हारमोनी का वर्ल्ड कैपिटल बन सकता है, ऐसा बनाने में मैं लगा हुआ हूँ। पारसी का स्थान है और इसलिए भारत के जहन में नहीं है। भारत के हजारों वर्ष का इतिहास देखिए, कभी तलवार लेकर के किसी के धर्म पर आक्रमण नहीं किया है। हमारा देश ऐसा है जो कहता है इसका भगवान, उसका भगवान, उसका भगवान, ये हमारी सोच नहीं है। हमारे देश की सोच है ईश्वर एक है और उसे प्राप्त करने के रास्ते अलग अलग है। यस सर। और सभी रास्ते ईश्वर के पास ले जाते हैं, और इसलिए कोई ऊंचा है कोई नीचा है, ये चाहिए ये नहीं चाहिए, भारत का संविधान इसके लिए किसी को सहमति नहीं देता है। हमारे यहाँ संप्रदाय वाद नहीं चल सकता है। हम धार्मिक लोग हो सकते हैं, सांप्रदायिक जुनून हमारे देश में कतई नहीं चल सकता है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ये मोटो रहा है सर्व पंथ समभाव, सभी पंथों के प्रति समभाव होना चाहिए। इसलिए मैं इस देश के सभी नागरिकों को कहता हूं, आप आश्वस्त रहिए, ये जातिवाद का जहर, ये संप्रदाय का जुनून भारत की प्रगति को रोकता है और ये हम नहीं होने देंगे। मोदी जी, आपने क्रिश्चियंस को, पारसियों को भरोसा दिलाया, क्या देश के मुसलमानों को भी ऐसा ही भरोसा दिला सकते हैं? इस देश का कोई भी व्यक्ति, भारत माँ का कोई भी लाल, उसको वो सारे अधिकार हैं जो नरेंद्र मोदी को है। किसी को आपसे डरने की जरूरत नहीं है? कुछ लोगों को तो डरना पड़ेगा। देश को लूटने वाले उनको डरना पड़ेगा, अन्याय करने वालों को डरना पड़ेगा, और मैं इस ये बात कहने से डरता नहीं हूं। आपको घर में भी कुछ तो डिसिप्लिन रखनी पड़ती है, और डिसिप्लिन रखना गुनाह है, तो भारत की भलाई के लिए वो गुनाह भी मुझे मंजूर है।